मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलए हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी लुटिया बड़ी डोल रही है, पूरे देश में हम हार रहे हैं, तो हमारे लिए भी जगह बना कर रखी है, तो उनका आचरण है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है देश में कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिस को देश में भ्रष्टाचारी घोषित किया, जिस जिस के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़वाए और जिनको घोटालेबाज का, वो सब जब उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो वो सब बड़े बेहतरीन साफ शफाफ दूध में धुले हुए लोग हो जाते हैं। बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड का जवाब नहीं देना। बीजेपी को इस देश में फैले भ्रष्टाचार, इस देश में फैली बेरोजगारी, इस देश में फैला जो अधिनायकवाद चल रहा है, जो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के ऊपर उनका हमला है, उसका उनको जवाब देना ही पड़ेगा। सर, बीजेपी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो यह काम कर सके। हाँ, साजिश के तहत वो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलए हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी लुटिया बड़ी डोल रही है, पूरे देश में हम हार रहे हैं, तो हमारे लिए भी जगह बना कर रखी है, तो उनका आचरण है। सर, शिक्षक नियमावली को लेकर जहाँ वाम दल 14 तारीख को ये जब खत्म होगा, कल तमाम जो बैठक हुई है महागठबंधन के एमएलए के बीच में, 15 तारीख को या उसके बाद एक डेट को हम लोग इस पर बैठ के टोटल सिचुएशन का हम लोग उसका एक तरह से मुहासबा करें। सर, बीजेपी 13 तारीख को जो है शिक्षकों के हित में जो भारतीय जनता पार्टी ने और सुशील मोदी ने अपना बयान याद कर लें, शिक्षकों के प्रति उनका कितना सम्मान है हम सब लोगों को याद है। वो ये सब कुछ ना बोले, जो पैसा अटका हुआ है भारत सरकार का, जो बिहार सरकार को देना है, उसका उन्होंने क्या किया? बिहार के साथ जो रवैया अपनाया उन्होंने, जो फंड नहीं रिलीज करने का, उसके बारे में क्या ख्याल है? बिहार की जनता से उनको प्रेम है, बिहार के शिक्षकों से प्रेम है, तो हम ही लोग को, हम उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं और जो उनके डिमांड्स हैं जेन्युइन, उस पर हम लोग सब मिलकर के मुहासबा करें। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।